दोस्तों अपने पास आ चुका है वन प्लस का बर्ड्स 3। 5,500 रुपए में वन प्लस ने इस बर्ड्स को लॉन्च किया है। इसका डिजाइन देखोगे तो ये वन प्लस के 10,000 वाले बर्ड्स की तरह दिखता है, लेकिन क्या ये उतनी अमेजिंग साउंड क्वालिटी लेके आ रहा है या फिर नहीं, इस वाले वीडियो में आपको सब बताने वाला हूँ। लेकिन एक बात बता देता हूँ, ये वन प्लस बर्ड्स Z2 का बड़ा भाई है, वन प्लस बर्ड्स प्रो का बड़ा भाई नहीं है, बट डिजाइन महंगे वाले का है। इसको मैंने खरीदा 4,500 रुपए में। 5,500 रुपए का आपको ऑफिशियल प्राइस है, 1,000 रुपए का आपको क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट है जिसको आप अवेल कर सकते हो, हमने ले लिया था। सिंपली इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये वाला कलर वेरिएंट है स्प्लेंडेड ब्लू, देखने में बहुत मस्त लग रहा है। बॉक्स के अंदर एक और लाल बॉक्स जहां पे आपको मिलेगा कुछ यूजर मैनुअल, टाइप सी केबल मिल जाएगा आपको और एक्स्ट्रा टिप्स। कलर काफी डिफरेंट लग रहा है बट प्रीमियम लग रहा है। अब बारी है बर्ड्स 3 की मुंह दिखाई की। भाई साहब कहीं से भी 5,000 का तो नहीं लगता है, एक बहुत ही महंगा डिजाइन लग रहा है देखने में ये। और बर्ड्स को अगर यहाँ से निकालते हैं, ओके यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है क्योंकि प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले तो 2 मिनट रुक के मैं वन प्लस की तारीफ करना चाहूंगा। भाई बहुत ज्यादा प्रीमियम डिजाइन लग रहा है ये, और जो कंप्लीट बिल्ड भी है बहुत ही प्रीमियम फील हो रही है। मतलब एक महंगे एयरबड्स का पूरा पूरा टच इसके अंदर है। यहाँ पे टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा आपको जिसे चार्ज होने वाला है ये। और बड्स की अगर बात की जाए ग्लॉसी फील के साथ आ रहा है, और ये जो आप लाइन देख रहे हो यहाँ से होगा टच टच टच। और इस पर कुछ नई चीजें ऐड की गई है, सबके बारे में बताते हैं। बर्ड्स को कनेक्ट करने वाले हम लोग अपने सैमसंग S24 अल्ट्रा से। जैसे मैं इसको ऑन करने वाला हूँ यहाँ पे आपको गूगल फास्ट पेयर का पॉपअप आ जाएगा, और गूगल फास्ट पेयर से एक चुटकियों में कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 5.3 मिलने वाला है जिससे कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी रहती है। अब सिंपली इसको यूज करते हैं और आपको बताते हैं कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है इसके साथ। अगर बर्ड्स के डिजाइन के बारे में बात करें, वन प्लस ने काफी कमाल वाला काम किया है। सबसे पहले तो बर्ड्स को ओपन करना क्लोज करना बहुत ही आसान है, और इसके अंदर से ये बर्ड्स निकालना भी काफी ईजी है। सब चीज पॉसिबल हो पा रही है इसके फ्लैट डिजाइन से। प्लस बर्ड्स को आप कान में पहनते भी हो ना, उसके फिटिंग भी काफी ज्यादा प्रॉपर है क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड डिजाइन है। अगर बर्ड्स को अपने पॉकेट में रखे ऐसे आप कैरी वैरी भी करोगे, ऐसा कोई अनकंफर्टेबल फील भी नहीं आने वाला। लेकिन अगर आप चाहो ये छोटे वाले पॉकेट में रखने के लिए तो उसमें भी आप ये आराम से रख सकते हो, तो साइज तो परफेक्ट है। दूसरी बात इसके बिल्ड क्वालिटी करते हैं, मुझे बिल्ड क्वालिटी तो फील हो रही है। मैंने चाहो तो दबा के देखा भाई, हर तरफ से कहीं भी कुछ भी दब वब नहीं रहा और हाई क्वालिटी फील आ रहा है। तो बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी मिलेगी, एक साल का वारंटी मिल ही रहा है तो आप आराम से इसको चला सकते हो। लेकिन जो इनका बर्ड्स है आपको पीछे की साइड से यहाँ से थोड़ा सा थिक लगा है मुझे, जिसको कान में पहनने के बाद थोड़ा सा और फिट फील होना चाहिए था, ऐसा फील हो रहा है मुझे। लेकिन एक बार इसको पहन के रनिंग करता हूँ भाई, देखता हूँ फिटिंग कितनी हल्की होती है। फिटिंग में ऐसा सच तो इशू नहीं आया। एक बार भाई गर्दन हिला लेते, भाई गर्दन दुख रहा है यार, लेकिन इसकी फिटिंग हिली नहीं है तो मेरे हिसाब से फिटिंग अच्छी है। ओ भाई नॉइस कैंसलिंग कितना अच्छा है इसका। जैसे मैंने बर्ड्स को बाहर निकाला दुनिया वालों की आवाजें आने लग गई है, क्योंकि यहाँ पे आपको 49 dB का एक्टिव नॉइस कैंसलेशन है और ये बहुत ही तगड़ा काम कर रहा है। एप्लीकेशन में आप देख सकते हो नॉइस कैंसलेशन अभी मैक्स पे है। अगर मैं इसको टच एंड होल्ड करता हूँ तो नॉइस कैंसलेशन अभी ट्रांसपेरेंसी मोड पे चला जाएगा, और इसका नॉइस कैंसलेशन एक्चुअल में बहुत सही काम करता है। अब जस्ट बाइक क्रॉस हुई है जब यहाँ पे थी मेरे को आवाज आ रही थी, जब ये मेरे से थोड़ी सी आगे निकली आवाज इसकी बंद हो गई थी। और अगर कॉलिंग के बारे में बात करें, बर्ड्स में आपको 3 माइक दिया गया है जिससे आप कॉल पे बात कर पाओगे। और अभी जो अभी आवाज सुन रहे हो ये आपको वन प्लस बर्ड्स 3 से है, और वन प्लस ऐसा कहता है कि भाई विंड के अंदर भी आवाज काफी साफ आएगी, तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा माइक काम कर रहा है इसका। गाड़ी बगल में कब आई, इसका नॉइस का तगड़ा है। One eternity later. So, दोस्तों अभी मैंने बर्ड्स को ऑलमोस्ट 3 दिन यूज कर लिया है, और अब बात करते हैं इसके अमेजिंग फीचर्स के बारे में। वन प्लस ने ओप्पो से टेप के इसके अंदर खूब सारे तगड़े फीचर्स डाल रखे हैं। अगर आप 5,000 की प्राइस देखोगे ना तो यहाँ पे आपको ओप्पो का बर्ड्स 5 प्रो है, ओप्पो का बर्ड्स एयर 3 प्रो है। दोनों प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मैं पर्सनली ओप्पो बर्ड्स एयर 3 प्रो यूज करता हूँ और मुझे क्रेजी लगता है। सबसे तगड़ा फीचर है ये गोल्डन साउंड वाला। फीचर को यूज करने के लिए मैंने अपना कस्टमाइज साउंड एक्सपीरियंस इसके अंदर सेट किया है। 2 मिनट का टेस्ट है, आप भी सेट कर सकते हो, और उसके बाद क्या क्रेजी साउंड एक्सपीरियंस इनहेंस हो जाता है। ये वाला कस्टमाइजेशन मेरे लिए है। और यहाँ पे वन प्लस 3D ऑडियो है, ये बेसिकली स्पार्शियल ऑडियो होता है। इससे मस्त सराउंड साउंड एक्सपीरियंस आता है और गाने का एक्सपीरियंस का तगड़ा हो जाता है। आपको मजा आएगा यूज करने में। इसको डुअल कनेक्टिविटी मिल जाती है आपको। इसको ऑन कर लोगे आप तो एक साथ मोबाइल लैपटॉप एक साथ कनेक्ट रह सकता है। पर्सनली डुअल कनेक्टिविटी मुझे बहुत पसंद है, और जितने भी बर्ड्स आ रहे हैं आजकल 5,000 रुपए में सब में मिलता है। और यहाँ पे अपडेट फंक्शनैलिटी मिल जाती है, अच्छी बात है, आपका बर्ड्स अपडेट होता रहेगा। और यहाँ से एयरबर्ड्स का कंट्रोल भी आप
कस्टमाइज कर सकते हो। सबसे तगड़ी बात है कि वॉल्यूम कंट्रोल भी आपको मिल रहा है और OnePlus ने इसको लपेटा है एप्पल से। भाई ये वाला गाना चलाया था नई मूवी का, साउंड एक्सपीरियंस लाजवाब है दोस्तों। और अगर आप बड्स को ऐसे नीचे नीचे स्क्रॉल करोगे, देखो भाई वॉल्यूम क्या मस्त कंट्रोल हो रहा है, आराम से डाउन हो रहा है, ऐसे ऊपर कर रहा हूं मैं, देखो वॉल्यूम ऊपर हो रहा है। और ये बहुत ही क्रेजी चीज है यार, ट्रिपल टैप में आपको प्रीवियस हो जाएगा। सिंगल टैप में मैंने ऑफ कर रखा है क्योंकि कभी भी हाथ वाथ लग जाए तो टच हो जाता तो दिक्कत हो जाती है गाना सुनते वक्त। लेकिन सिंगल टच को आप पॉज एंड प्ले में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि रख लेते हैं अभी के लिए। और एक बार चेक करते हैं इसका एक्सीडेंटल टच। अभी गाना पॉज है दोस्तों, टेबल पे मार रहे हैं, कोई भी एक्सीडेंटल टच नहीं हो रहा है। मोबाइल के डिस्प्ले पे नहीं कर रहा है, कपड़े पे भी नहीं कर रहा है। मेटल टेस्टिंग कर देते दोस्तों, मेटल पे भी कुछ काम नहीं कर रहा। अरे मेटल पे काम कर रहा, देखो भाई मेटल पे काम किया थोड़ा बहुत। तो अगर आप लोहा अपने कान में मारोगे दोस्तों एक्सीडेंटल टच हो सकता है। कान में खुजली करके देखते हैं एक बार, कान में खुजली में भी एक्सीडेंटल टच हो सकता है दोस्तों। बाल झाड़ के देखते हैं एक बार, इससे एक्सीडेंट हो जाएगा भाई। मीनवाइल सिंगल टच वाले को ऑफ कर लेना, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी भाई साउंड क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए ओप्पो का एनको बर्ड्स एयर 3 प्रो। भाई नाम लंबा है, काम भी काफी तगड़ा है इसके। अभी दोनों ही बर्ड्स को मैंने कंपेयर किया, मेरे हिसाब से भाई ओप्पो का जो 12.4 mm का ड्राइवर है वो ज्यादा बेटर साउंड करता है OnePlus के सामने। OnePlus भी अच्छा है लेकिन ओप्पो थोड़ा बैलेंस साउंड देता है, बेस काफी अच्छा है इसका। OnePlus के अंदर आपको मिलेगा 10.4 mm का ड्राइवर, 6 mm का एक बेस वाला ड्राइवर भी है जो बेस इंप्रूव करने के लिए है। लेकिन भाई फुल वॉल्यूम पे OnePlus के अंदर डिस्टॉर्शन आता है इन कंपेयर टू Oppo। बट OnePlus का एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, टच रिस्पांस, ये जो इसका केस है और जो प्रीमियम डिजाइन एंड फील है वो ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से Oppo के सामने। कंपेयर कर रहे हैं तो फिटिंग भाई मेरे को OnePlus की ज्यादा बेटर लगी लेकिन Oppo की ज्यादा कंफर्टेबल लगी मेरे हिसाब से। मैं Oppo को यूज कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा हल्का फील हो रहा है भाई। तो वन वर्ड में, अगर आपको एक्सपीरियंस, डिजाइन, क्वालिटी हर चीज अच्छी चाहिए तो OnePlus ले लो, और अगर आपको साउंड क्वालिटी तगड़ी चाहिए तो Oppo का एनको बर्ड्स एयर 3 प्रो बेहतरीन रहेगा। इसी नोट के साथ इस वाले वीडियो को लेते रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। दोनों बर्ड्स का बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।